सबसे पहले मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझको पौरुषपुर 2 जैसी ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाने का एक सुनहरा अवसर दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि शेरलिन चोपड़ा खुदकुशी कर ले। अगर कोई चाहता है तो अपना हाथ ऊपर करे और मुझे बताए कि मेरा शुभचिंतक कौन है। दरअसल बात यह है कि आए दिन मैं देख रही हूँ कि कुछ मीडिया के लोग अभद्र हेडलाइन बनाकर मेरे बारे में मनगणित बातें लिख रहे हैं, मेरी इज्जत को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम मीडिया वालों से कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला को, चाहे वो पुलिस अफसर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कामवाली बाई क्यों ना हो, बाजारू औरत क्यों ना हो, किसी भी महिला को इस कदर जलील ना करें कि वो मजबूरन आत्महत्या करने के बारे में सोचे। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे लगता है कि जिस लड़की ने किडनी फेलियर को मात दिया हो, पुनर्जन्म लेकर जो एक ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में एक ऐतिहासिक भूमिका के रूप में आपके सामने खुद को पेश कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है लेकिन अपनी जान नहीं ले सकती। तो आपसे निवेदन है कि आप किसी भी महिला के बारे में अभद्र लिखने के बजाय पहले ये सोच लें कि अगर आपकी माओं के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी या अश्लील टिप्पणी करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपका खून नहीं खौलेगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको उसे लाफा मारने का मन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो फिर ये नाइंसाफी क्यों मेरे साथ? पिछले साल आपने देखा कि कैसे मिस मोटर माउथ और उनकी वकील ने सरेआम मेरे बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करी। YouTube पर वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहती। अब मैं देख रही हूँ कि फिर से वही घटना मेरे साथ घट रही है। हाल ही में इसी जगह पर 20 जुलाई 2023 के दिन मैंने एक इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ कानन को। उस इंटरव्यू में कुछ गहरी बातें हुई, कुछ बहुत ही सेंसिटिव बातें हुई और कुछ मजाकिया बातें भी हुई। तो उस इंटरव्यू में मैंने जो जो कहा, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर कुछ मीडिया वालों ने अपने दर्शकों के सामने रखा एक अभद्र हेडलाइन के साथ। और जब उन आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत रोई। और फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि महारानी स्नेहलता जो भूमिका मैंने निभाई एकता कपूर जी की वेब सीरीज़ में, अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो क्या करती। मुझे याद आया कि कई जुल्म सहने के बावजूद महारानी स्नेहलता अपने लक्ष्य के बारे में भूली नहीं, उनकी नज़र उनके मंजिल पर, उनके लक्ष्य पर टिकी रही। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी अपना फोकस अपने मंजिल पर रखना है। मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारा बनना। तो उस मंजिल पर मुझे अपनी नज़र टिकाए रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस अद्भुत भूमिका को बार बार लगातार याद करके मैं इस भूमिका से प्रेरणा लेती रही और मैंने खुद को याद दिलाया कि कैसे मैंने किडनी फेलियर को मात दिया, कैसे मौत के मुंह से बाहर निकलकर मैंने पुनर्जन्म लिया। तो जो लड़की इतनी स्ट्रांग होती है असल ज़िंदगी में, उसे क्या कोई अभद्र न्यूज़ आर्टिकल परेशान कर सकता है?
क्या मुझे विचलित कर सकता है? और अगर मैं ऐसे अभद्र आर्टिकल्स को खुद को विचलित होने दूं, तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि सिद्धार्थ कनन ने मेरे सामने एक 15 या 16 साल पुराना इंटरव्यू का जिक्र किया, और उस इंटरव्यू में जो बात मैंने कही थी, उस बात को मेरे सामने रखकर पूछा कि क्या मैं उस बात के बारे में कोई टिप्पणी देना चाहूँगी, क्या कोई क्लैरिटी देना चाहूँगी। तो मैंने कहा कि उस समय मेरा रिश्ता हैदराबाद के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे के साथ था, और उस रिश्ते में मैं नाखुश थी, क्योंकि उस रिश्ते में रहकर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा प्रेमी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात में दिलचस्पी रखता है, प्यार इश्क मोहब्बत में नहीं। और जब मुझसे पूछा गया कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि बिल्कुल वैसे महसूस कर रही हूँ मैं जैसे एक महिला महसूस करती है कॉम्पेंसेशन लेकर जिस्मानी ताल्लुकात के बाद। तो उस तरह का मेरा अनुभव रहा, ये मैंने बयान किया था। उन्होंने पूछा मतलब क्या, तो मैंने कहा कि जब किसी महिला को किसी जिस्मानी ताल्लुकात के लिए कोई कॉम्पेंसेशन मिलती है, वो कैसा महसूस करती है? क्या वो ये सोचती है ये आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, वो जिस तरह महसूस करती है बिल्कुल वैसा ही मेरा अनुभव रहा उस रिश्ते में रहकर। तो ये मेरा कहना था, और मेरी इस कही हुई बात को तोड़ मरोड़ के एक अभद्र हेडलाइन के साथ, एक बहुत ही भद्दे हेडलाइन के साथ पेश किया गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों किसी महिला को जलील होते हुए देखकर हमें मज़ा आता है, क्यों? और अगर मज़ा नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर का ज़मीर जिंदा है, और अगर मज़ा आता है तो कहीं ना कहीं हमारा ज़मीर या तो अधमरा है या मर चुका है। तो आप सबसे ये विनती है कि किसी भी महिला को आप इस कदर जलील ना करें कि वो कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर महसूस करे। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एकता कपूर जी को, जो उन्होंने इतना अद्भुत रोल मुझको दिया, महारानी स्नेहलता। कल अगर महारानी स्नेहलता के बारे में मैं ना सोचती तो शायद कुछ गलत कदम उठा बैठती, क्योंकि कल मैं बहुत रोई, बहुत बहुत छोटा महसूस किया मैंने खुद को। मेरे ख्याल से कोई भी लड़की मेरी जगह होती तो बिखर जाती, टूट जाती, लेकिन मैंने खुद को बिखरने से रोका, टूटने से बचा कर रखा, क्योंकि मैं खुद को बार बार याद दिलाती रही कि नहीं, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके चलते मेरे घर वालों को तकलीफ हो। तकलीफ होगी नहीं होगी ये बात की बात है, जिससे उन तमाम महिलाओं का हौसला टूटे जो कुछ ना कुछ मानती हैं मुझको, जिन्हें लगता है कि हाँ, अगर शैलेन चोपड़ा ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने कल खुद को टूटने से बचाया। जी, पौरुषपुर 2 में मैंने महारानी स्नेहलता की भूमिका करी है, और महारानी स्नेहलता एक कमाल की महिला हैं, यानि वो खुद को मन ही मन किसी महारानी से कम नहीं मानती हैं, हालांकि वो होती हैं केवल एक रानी, और महाराज के कई रानियां होते हैं, और उन रानियों में से एक हमारी महारानी स्नेहलता होती है। और कोई इन्हें अगर रानी कह दे तो उस इंसान को टोक कर कहती हैं रानी नहीं, महारानी स्नेहलता कहो, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर राज सिंहासन का कोई असली हकदार है तो वो ये हैं और कोई नहीं। और इन पर कई सारे जुल्म किए जाते हैं, बावजूद इसके ये खुद को बिखरने नहीं देती हैं, खुद को समेट कर रखती हैं, और
इनकी नज़र, इनका लक्ष्य एकदम अटूट होता है। इन्हें किसी भी हालत में राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त करना होता है, और वो अधिकार क्या वो प्राप्त कर पाती हैं या नहीं, अंत में क्या वो विजयी होती हैं या नहीं, ये पौरुषपुर टू कहानी का मूल बिंदु है। देखिए, अगर मैं लो नेकलाइन चोली पहनती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आइए और मेरा बलात्कार कीजिए। तो ऐसा मतलब निकालने वाले लोग होते कौन हैं? क्या वो समाज के ठेकेदार होते हैं? अगर हम अपने हुस्न को दिखा रहे हैं, अगर हम पर्दा नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि अरे ये लड़की तो इजीली अवेलेबल है, ये बहुत चालू है, चलो ट्राई करके देखते हैं आती है कि नहीं? क्यों क्यों हम इस तरह का मतलब निकालते हैं? और रही बात उर्फी की, तो मेरे ख्याल से उसे पता है कि वो क्या कर रही है, और अगर वो छोटे कपड़े पहनती हैं या ऐसे लिबास पहनती हैं जिससे लोगों का मन उत्तेजित हो जाए, तो क्या ये गलत है? हम क्यों भूलते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, वो देश जिसका नाम लैंड ऑफ कामसूत्रा कहा जाता है? तो क्यों हम मॉरल पुलिसिंग करते हैं? क्यों हम कहते हैं अरे ये देखो ये अपना क्लीवेज दिखा रही है, इसका मतलब इसका कैरेक्टर बहुत ही ढीला होगा, इसका मतलब ये इजीली अवेलेबल होगी? क्यों? कौन सी किताब में या किस ग्रंथ में लिखा है कि महिला के लिबास की लंबाई से उसके किरदार का अनुमान लगाया जा सकता है? किस किताब में लिखा है? मैं अपना घर चलाती हूँ, मैं अपने सारे बिल्स टाइम पर भरती हूँ, और अगर मैं इस तरह की चोली पहनना पसंद करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या संविधान में लिखा है कि इस तरह की चोली पहनना गलत है, और अगर मैंने इस तरह की चोली पहनी तो कोई धारा मुझ पर लगेगी? हाँ, तो संस्कृति दिमाग में होनी चाहिए ना। अगर मेरे इस अवतार को देखकर आप उत्तेजित होकर मेरे साथ गलत करने की इच्छा रखते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी क्या संस्कृति है, क्योंकि आपके अंदर का हैवान न जागे इसलिए मैं खुद को ढक कर रखूं। अभी नेटफ्लिक्स पर मेरी कोई वेब सीरीज आई नहीं है, जिस दिन आएगी जी। देखिए, आमतौर पर ये कहा जाता है कि क्योंकि लड़की भड़काऊ कपड़े पहनती है इसलिए उसके साथ गलत होता है। अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार क्यों होता है, या 3 हफ्ते की बच्ची के साथ बलात्कार क्यों होता है? क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? क्या 3 हफ्ते की या 3 महीने की बच्ची भड़काऊ कपड़े पहनती है? तो मेरे ख्याल से कपड़ों को दोष देना व्यर्थ है। हमें दोष देना चाहिए उस मानसिकता को जो हैवानियत से भरी हो, जिसे इंसानियत और हैवानियत के बीच का अंतर ना मालूम हो। नहीं तो हम पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर किस तरह का कंटेंट देखते हैं, पारिवारिक कंटेंट देखते हैं या अडल्ट कंटेंट देखते हैं। हाँ, अगर बच्चे 18 के ऊपर हैं तो वो तय करें उन्हें क्या देखना है क्या नहीं, लेकिन अगर नाबालिग हैं तो हमें तय करना होगा उनके पेरेंट्स के तौर पर कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। और मेरे ख्याल से आज के पेरेंट्स काफ़ी समझदार हैं, उन्हें पता है कि पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है, और वो अपने बच्चों को अडल्ट कंटेंट देखने की इजाज़त नहीं देते हैं। जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स की बात हो रही है, जिन परिवारों को मैं जानती हूँ, वहाँ पर नाबालिग बच्चे अडल्ट कंटेंट नहीं देख सकते हैं। तो हम अपने बच्चों के साथ किस तरह का रिश्ता रखते हैं, हम उन पर नज़र रखते हैं या नहीं रखते हैं, या अपनी ज़िंदगी में हम डूबे हैं, खोए हैं, ये इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से हमें कोई जेंडर बायस नहीं करना चाहिए,
महिला के लिए अलग नियम, पुरुष के लिए अलग नियम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये समाज हम सबके लिए है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। और आमतौर पर महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, ये मैंने देखा है। लेकिन जब पुरुष शर्टलेस होते हैं, यू नो, जैसे सलमान खान और शाहरुख खान अपनी फिल्मों में बगैर शर्ट के घूमते हैं, तो हम ताली बजाते हैं, हम सीटी मारते हैं, हमें लगता है वाह ये देखो हमारा स्टार बगैर शर्ट के। लेकिन जब हीरोइन लो नेकलाइन वाली चोली पहनती है, तो उसी अंदाज में वाह क्यों नहीं निकलता है मुँह से? क्यों हम उसका तिरस्कार करना चाहते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि नहीं ये गलत है? क्यों, क्या गलत है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं हिपोक्रेट्स बनते जा रहे हैं। ये दोगलापन समाज के लिए अच्छा नहीं है। 28 जुलाई के दिन पौरुषपुर 2 रिलीज़ होने वाली है ऑल्ट पर, और मैं चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द ऑल्ट सब्सक्राइब करें और पौरुषपुर 2 और इस तरह के गज़ब एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग वेब शोज़ देखें, इन तमाम शोज़ का लुत्फ़ उठाएं। और मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते थे मेरे बारे में कि अरे ये तो एक पिनअप गर्ल है, इसको तो सिर्फ बिकिनी पहनना आता है, इसको तो सिर्फ जिस्म की नुमाइश करना आता है और कुछ नहीं, वो ख़ास तौर पर वो लोग ज़रूर पौरुषपुर 2 देखें और देखें कि हमने महारानी स्नेहलता की भूमिका किस अंदाज से निभाया है और क्या हमने उत्तम काम किया या सर्वोत्तम, आप बताइएगा।